आज हम लोगों ने नमामि गंगे के विरोध में गंगा की सफाई, सत्याग्रह और अनशन रखा कि भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत दिया था, जिसमें महा घोटाला हुआ, कहीं गंगा की सफाई नहीं हुई और गंगा गंदी हुई है। जो ट्रीट प्लांट लगे हुए हैं वो हिंदुस्तान में 90% ट्रीट प्लांट बंद है। गंगा अपने में साफ थी लेकिन हम लोगों ने गंदा किया है। गंगा तब तक साफ नहीं हो सकती है जब तक शहरों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी गंगा में आता रहेगा, गंगा गंदी रहेगी। लेकिन समझ में नहीं आता है कि 15,000 करोड़ रुपया सरकार ने कहाँ लगाया है। लोग आज जो कहते थे गाय गंगा गंगा माम ने मुझे बुलाया है, आज उन्हें गंगा माँ की याद नहीं आ रही है कि उनके बेटों ने गंगा की क्या हालत बना दी है। ये महा घोटाला जो हुआ है नमामि गंगे के तहत, इसके विरोध में हम लोगों ने जल समाधि ली और जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरकर गंगा की स्वच्छता के लिए लड़ाई।